हमने इस परसेंटेज की, पहले हमने आपको बेसिक परसेंटेज पढ़ा दिया था, उसके बाद जो आज पढ़ेंगे उसी के आधार पर पढ़ेंगे और बिना किसी फार्मूले के इस्तेमाल के जो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि परसेंटेज क्या है, क्योंकि कोई भी परसेंटेज अपने आप में सौ होता है। हर चीज़ जैसा कि मैंने पहले बताया था, कमरे की लंबाई, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपकी इनकम, किसी व्यक्ति की इनकम, किसी क्रिकेट के बल्ले की लंबाई, किसी परीक्षा का पूर्णांक, वह सभी अपने आप में 100% होती है और उसी 100% के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको परसेंटेज समझ में आ जाएगा तो परसेंटेज से संबंधित जितने भी अध्याय हैं, चाहे वो अनुपात में आए हों, चाहे दशमलव में आए हों, चाहे लाभ हानि में हो, बट्टा में हो, और साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, यहाँ तक कि मेंसुरेशन के भी जो प्रश्न आते हैं वो भी आप आसानी से कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके उसको मेहनत से पढ़ेंगे तो शायद उम्मीद करते हैं आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक जो इसके अलग या इतर हैं उसको जो सरल सरल जिसे हम कहते हैं, सिंपल तरीका कहते हैं, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर टफ की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप कहें कि पहले एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन पढ़ लें या थोड़े टफ वाले क्वेश्चन पढ़ें, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे पहले सिंपल को ही पढ़ लेते हैं ताकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको मजा आएगा और आसानी मिलेगी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक परीक्षा का पूर्णांक या एक परीक्षा का पूर्णांक 400 है, 400 है, एक लड़के ने 84 अंक प्राप्त किए, 84 अंक प्राप्त किए, 84 अंक प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत है, तो उसने कितने परसेंट अंक अर्जित किया, तो उसने कितने परसेंट अंक अर्जित किया, कितने परसेंट अंक अर्जित किया, अंक अर्जित किया। चलिए देखते हैं इसको लगाने के पहले प्रयास करते हैं, बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी आपको बता ही दे रहे हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं हम कि एक परीक्षा का पूर्णांक 400 था, 400 के पूर्णांक में लड़के ने कितना अर्जित किया, 84 नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे 84 नंबर उसने अर्जित किया, कितने में से, 400 बटे 400। याद क्या करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए कितने का, हाँ हमने इसके पहले पढ़ा था, किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। तो उसने वो पाया था 84 नंबर कितने में, 400 में, तो परसेंटेज के लिए गुणे 100, 0 से 0 ये कट गया, दो लड्डू कट गया, 4 से काटेंगे, 4 गुना 8, 4 एक का 4, उसने कितने परसेंट अंक अर्जित किए, 21% अंक अर्जित किए, कितने अंक, 21% अंक अर्जित किए। समझ में आया, एक तरीका इसका और लगाने का उसको भी समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि एक लड़के ने 400 नंबर का पेपर था, 400 में कितना पाया, 400 का कितना x परसेंट पाया, तो कितना होगा उसका, 84 नंबर प्राप्त किया। भैया 400 का x परसेंट 84 नंबर प्राप्त किया, फिर तो 400 गुणे x परसेंट है, x बटा बराबर ये बटे में उधर जाए गुणे में, ऐसे करें चाहिए लड्डू दो लड्डू से कट गया, ये 4 गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर 84 बटे 4 काटेंगे तो 21%। यदि आप समझ लीजिए, जब ये समझेंगे तो कुछ और बताएंगे, क्योंकि एक साथ कई चीजें हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको रिवीजन होता रहे साथ ही साथ, कोई समस्या आपके साथ ना आए। अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे, बिना पेन उठाए उत्तर बताना शुरू कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे अभी आपको बेसिक सिखा लें फिर और आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन कर लेंगे भाई, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। जब कहीं बाहर पढ़ना आपको लगता है कि बेहतर है तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप मेरे यहाँ से बेहतर परिणाम लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे यहाँ पढ़ेंगे या मेरे यहाँ से पढ़ेंगे तो एक बात स्पष्ट रहेंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ाया और क्या आगे से पढ़ाना है। इसलिए आपको हर चीज़ें मैं आप उस हिसाब से पढ़ा दूंगा, सुपर टेट तक आप एकदम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि 800 का 12% होगा, ये लगाना बहुत ही आसान है। देखिए का माने क्या होता है, गुणा, एक आपने सुना भी होगा जब सरलीकरण पढ़ाया जाएगा, सरलीकरण है का को पहले काट दो ता करिएगा भाव, गुणा करे धन जोड़ दो अंत में लियो, बहुत मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड सबट्रैक्शन,
ठीक, तो उसी हिसाब से हम 800 का माने 12% है, माने 12 बटे लड्डू से लड्डू कट गया तो 8 × 12 कितना हुआ 96, माने 800 का 12% कितना हुआ 96 हुआ। ऐसी प्रश्न को बदल दिया, क्या कहा, कह रहा है कि एक संख्या का 12% 96 है तो संख्या क्या होगी, संख्या को क्या किया, क्वेश्चन को बदल दिया, क्या कह रहा है कि एक संख्या का 12% 96 है तो संख्या क्या आएगी, कुछ नहीं करते हैं, मानव संख्या कितनी थी यक्ष थी, फिर लिखेंगे यक्ष का 12% कितना था 96 था, फिर वही यक्ष गुणे 12% माने जब किसी भी पद या अक्षर के दाईं तरफ परसेंटेज का चिन्ह उसका बटा 100 लिखते हैं बराबर 96। ठीक, अब ये बटे उधर जाएगा, गुड़े वाला उधर जाएगा, हो गया 96, ऊपर जाएगा 100 × 12 काटेंगे 12 8 तो हो जाएगा 8 × 100 = 800 यक्ष बराबर 800। ठीक, फिर इसी प्रश्न को फिर पलट दिया, फिर कह रहा है कि एक 800 का कितना परसेंट 96 होगा, देखिए सेम क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 800 का कितना परसेंट, तो भैया यहाँ माना कि 800 का माने गुणा कितना परसेंट, माना x परसेंट, माने x बटे कितना है 96, तो भैया देखिए लड्डू लड्डू कट गया इधर गुणे को उधर जाएगा 96/8 कट गया तो x बराबर x का मान क्या निकल गया। तो आप तीनों तरीकों को खूब समझ लीजिए कैसे हमने लगाया, एकदम आसान समझ, क्योंकि इसके बाद ये बेसिक पूरी तरह मैं समझा रहा, इसको जितना बढ़िया समझेंगे आगे उतनी मदद आपको मिलेगी, इसको जितना बढ़िया समझेंगे आगे आपको उतनी मदद मिलेगी। और वास्तव में अगर गणित से डर लगता है तो इस बात की गारंटी लेता हूँ कि एक दिन आप कहेंगे वास्तव में मैथ सरल है। सरल का मतलब क्या है, इसके नंबर आपके फिक्स होते हैं, EVS में आपने पढ़ा, आपने विटामिन ए पढ़ा, अगर विटामिन बी नहीं पढ़ा, विटामिन बी से क्वेश्चन आ गया आप गलत कर देंगे, जबकि अगर यहाँ पे आपने कोई चीज़ें पढ़ी हैं, पूरी चीज़ें पढ़ी हैं, इस परसेंटेज पहले अंक बदल देता है तो आप उत्तर गलत नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ अगर पानीपत का प्रथम की जगह द्वितीय पूछ लिया आपने, द्वितीय नहीं पढ़ा प्रथम पढ़ा है तो क्वेश्चन क्या होंगे गलत, लेकिन यहाँ अगर उस टॉपिक को पढ़ा है नंबर चाहे कितना भी आगे पीछे करे आप आसानी से कर लेंगे। इसको मैं पुनः समझा दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा 800 का 12% क्या होगा, तो आपने क्या किया 800 का 12% माने 800 का 12% होगा 800 गुणे का माने गुणा गुणे 12% माने 12/100 बराबर कितना हुआ, देखिए यही हुआ 800 × 12/100 क्यों हुआ भैया, किसी भी परसेंट के दाईं तरफ अगर परसेंट का चिन्ह लगा उसका बटा 100 तो ये हो जाएगा 12/100 कट गया 8 × 12 96 तो कितना हुआ 96। फिर कह रहा है कि x का कितना परसेंट, माने किसी संख्या का 12% 96 होता है तो संख्या क्या है, मान संख्या x है, x का 12% 96 × 12/100 = 96 पलट दिए उधर ले जाके तो हो गया 100/12 कट गया 12/96 8 × 100 = 800 संख्या कितनी थी 800 थी। फिर क्वेश्चन को और आगे ले गए हम, फिर क्या लिखा कि 800 का कितना परसेंट 96 होगा, माना x परसेंट, तो 800 × 100 = 96 उधर पलट के ले गए काट दिए कितना हुआ ये 100 × 8 उधर के बटे में तो 96/8 करेंगे तो 12, तो x का मान कितना आया 12%। ठीक, इस प्रकार इस तरह के प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, ये बेसिक ही बता रहे, इसके बाद भी और आगे चलेंगे और आप जो पेड क्लासेज चलती है, क्योंकि आपको 2-4 वीडियो मिल पाती है, क्योंकि बाकी निपेड क्लासेज वाले भी विरोध करते सर हम लोग तो पेड किए हुए हैं तो हम लोग ऐसा क्यों, इसलिए आप 1-2 वीडियोज आपको मिल पाएंगी, बाकी सारे क्रम से वीडियो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेंगे आपको सारी वीडियोज आपको उपलब्ध हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कह दिया कि 1200 का 12.5% होगा, 1200 का 12.5% होगा, बहुत ही आसान है ये भी लिखेंगे 1200 का माने गुणा 12.5% तो पहले लिखेंगे 12.5 पूरे का बटा या 10 हटाने के लिए लड्डू और बढ़ा देंगे। ठीक, अब भाई चाकू निकालेंगे, 2 लड्डू 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 2 10, 2 से काटेंगे 6 तो हो जाएगा 6 × 150 तो 1200 का 12.5% कितना होगा 150। इसी प्रश्न को ऐसे दे देता अगर तब
बारह सौ का 12 सही 1/2% होगा, सेम ही उत्तर आता। कैसे आता देख लीजिए, सेम प्रश्न है, खाली इसको बटम कर दिया। इसको लिखते 1200 का माने गुणा बाद में 24 एक 25/2%, फिर आगे लिखते 1200 गुणे 25/2 × 100, क्योंकि आगे इसे हो जाता आपका 1200 × 25/2 × 100, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 = 12 6 × 25 = 150। समझ में आई आप लोग को कहानी? yes. नहीं आई? आगे कहानी, चलिए अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा कहेंगे इसको, अच्छा कहना तो मूर्खता होगी, बहुत अच्छा कहना मूर्खता नहीं होगी। सुन मैं आगे बढ़े, ठीक है, इसी क्रम में आपको सारे क्वेश्चन को लगा के रखना है और समझते हुए चलना है ताकि आपको लगाने में आसानी हो। अब इसे क्वेश्चन दे दिया है, 900 का 36% प्लस 1300 का 19% होगा, लगाइए इसको, 900 का 36% प्लस 1300 का 19%, फिर आगे 2750 का 40% माइनस 180 का 250% होगा, ठीक, कुछ नहीं करना है, इसका परसेंट निकाल निकाल के दोनों जोड़ देना है, इसका निकाल के फिर से घटा देना है, बस बात खत्म। इसके बाद इसे कड़ी में लगातार हम लोग पढ़ेंगे, तो लगातार तो पढ़ना ही है, इसलिए नो डाउट, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा, सारी वीडियोज आपको क्रम से मिल पाएंगी। और उसके लिए 6306344 पर आप व्हाट्सएप क्या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, नोट्स भी उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। हाँ, टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया मेरा तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी वीडियोज डाले जाते हैं वो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाते। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गे सर बिना स्पेस दिए, वहाँ आपको नोट्स और वो भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी डेली एक प्रश्न डाले जाते हैं ई लर्निंग दुर्गे पे, ई लर्निंग दुर्गे सर्च करके वहाँ भी आप जोड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका लाभ ले सके। अब इसको समझ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से यह समझ में आ गया होगा, इसी क्रम में लगातार आगे पढ़ेंगे और अब दिन प्रतिदिन ये मैं एक बेसिक इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आगे आपको पढ़ाऊँ, इससे समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। दूसरी बात, और परसेंटेज को मैं इतनी आसानी से पढ़ा दूंगा, परसेंटेज लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज वृद्धि ब्याज और मेंसुरेशन के कुछ अध्याय परसेंटेज पे आपको जिंदगी याद करेंगे, एक ही फॉर्मूले पे पूरा अध्याय ने खत्म कर दिया तो कहिएगा अभी 5 अध्याय में एक फॉर्मूले यूज करूंगा जिसका नाम है रामबाण फार्मूला। तो ये रामबाण फार्मूले का हम यूज करेंगे जल्दी ही, लेकिन हाँ इसके बाद यूज करेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लगातार जो कर पा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। भी इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।